आज मैं आपकी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, काफी खास वीडियो रहने वाली है भाई। आप देख सकते हो मारुति सुजुकी का सामान आ चुका है पीयूष भैया के पास, पूरा जो सामान आ चुका है। तो भाई आज हम दिखाने वाले हैं आपको ब्रीजा। थोड़ा सा वीडियो जरूर लेट हो गया होगा, पर ये वीडियो ना काफी डिटेल रहने वाला है। हम आपको डिटेल में पूरी चीजें दिखाएंगे, क्या क्या चीजें आपकी गाड़ी में लग सकती है बेस वेरियंट में, और किस तरह से आपकी गाड़ी जो है बेस टू टॉप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और सारा ही जेन्युइन सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना आपको पहले शोरूम लेके चलते हैं, वहां आपको ZXi प्लस दिखाते हैं, उसके बाद LXi दिखाते हैं, पूरा आपको कंपैरिजन, काफी डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, कंपैरिजन दिखाएंगे दोनों में। और उसके बाद आपको भाई दिखाएंगे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो LXi में नहीं है, जो टॉप वेरियंट में कंपनी दे रही है, जो आप अपनी गाड़ी में जेन्युइन ये सारी कंपनी की चीजें इंस्टॉल करके एक टॉप मॉडल वाली फील जो है बेस वेरिएंट में रह सकते हो। और काफी ज्यादा जो मेजर डिफरेंस आ रहा है, अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें, मैं प्राइस लिस्ट भी इसमें शेयर करूंगा। मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारी जैसे बेस वेरिएंट ऑलमोस्ट 9.5-9.5 के आसपास ऑन रोड पड़ रही है, एक्स शोरूम प्राइस 800,000 पड़ रहा है, और वहीं हम टॉप मॉडल पे जाते हैं तो हमको 14,00,000 के आसपास जो है ऑन रोड पड़ रही है। तो वही 4-5 लाख का जैसे मैंने जाना है डिफरेंस आ रहा है। तो भाई उससे काफी कम रेंज में आप जो एक्सेसरीज ये वाली लगा के जो है गाड़ी को एक टॉप मॉडल की फील ले सकते हो, आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले और सब कुछ ओरिजिनल रहने वाले हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं शोरूम में, दिखाते हैं क्या क्या चीजें उसमें मिल रही हैं, फिर आते हैं पीयूष भैया के पास, हम आपको बारी बारी अनबॉक्सिंग करके चीजें दिखाएंगे, क्या क्या चीजें जो है हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। भाई मेरे सामने खड़ी है बिल्कुल ब्रांड न्यू 22 ब्रेजा। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो काफ़ी ये डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। इसके बाद मैं आपको बेस वेरिएंट दिखाऊंगा और हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या हमारे पास एसेसरीज अवेलेबल रहने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल्ड वीडियो आपको ये मिलने वाला है, A to Z तक सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहने वाली है। तो भाई वीडियो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको जो है इसमें नॉलेज मिलने वाली है। सो सबसे पहले भाई हम गाड़ी की बात करेंगे डायमेंशंस की। तो भाई देखने को शायद गाड़ी आपको पहले से ज़्यादा चौड़ी लग रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसकी अगर हम बात करें विथ की, तो पहले की जैसे बिल्कुल सेम है, 1790 mm विथ, जैसे कि मैं इसको जज कर सकता हूँ। और इधर हम आते हैं तो हाइट की बात करते हैं। तो हाइट में ज़रूर इस बार थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है कंपनी ने, बहुत ही माइनर सा इसमें जो इंक्रीज़ हुआ है, 45 mm की जो इसकी हाइट इंक्रीज़ की गई है, और जो कि बनते हैं हमारा 1640 mm। और उसके अलावा अगर हम लेंथ की बात करें तो बिल्कुल पहले की जैसे सेम रहने वाली है, 3995 mm जो कि पहले ही आती थी। बाकी शेप इस तरह से की गई है कि बहुत ही जो एक स्मार्ट, इसको कहते हैं एक सारे डिज़ाइनिंग टीम का काम है, बाद में उसकी बात करेंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसकी जो है 198 mm जो कि पहले से ही रहने वाली है। और बाकी एलॉयज व्हील की बात करें तो भाई आप देख सकते हो एलॉय में काफ़ी जो है चेंज किया गया है, काफ़ी प्यारे एलॉय इस बार हमको देखने को मिले। 16 इंच का जो है इसका साइज़ रहने वाला है टायर साइज़, और एलॉय इस तरह के रहने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे भाई गाड़ी की जो है क्या क्या जो है कंपनी ने इसमें चीज़ें ऐड ऑन की है। तो भाई सबसे पहले देख सकते हो गाड़ी ब्रॉड लग रही है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इसके डायमेंशंस जो है बिल्कुल सेम है पहले जैसे, ऑल दो हाइट में ज़रूर इंक्रीज़ किया गया भाई। हाइट का ये देख सकते हो भाई, ये बोनेट में आपको उठाओ दिख रहा होगा, पहले इतना उठाओ नहीं था, साफ साफ जो है इधर से आपको फील आ रहा है। तो हाइट में ज़रूर इसमें उठाव है। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल में, ये हमारा ZXi टॉप वेरियंट है। तो भाई ये आप देख सकते हो इसमें, भाई ये देख सकते हो इसमें जो हमारे DRL और भी डबल प्रोजेक्टर रहने वाला है। LXi भी अभी आपको दिखाएंगे पूरा, हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्या इसमें डिफरेंस रहने वाला है। इसके अंदर हमको जो है HID मिलती है दोनों में। और इधर बात करते हैं तो भाई नीचे भी जो है कंपनी इसमें LED दे रही है। और उसके अलावा काफ़ी बार आपने देखा होगा भाई जब हम हाई बीम लो बीम ऑन करते हैं, एक लाइट जलती है एक नहीं जलती, बट इसमें जो है दोनों जलती है। अभी बारी बारी आपको जला के मैं सारी चीज़ें डिटेल में दिखाने वाला हूँ, बाकी DRL वगैरह भी आपको ऑन करके दिखा देंगे। और साइड में आते हैं तो भाई इस तरह के साइड मिरर हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं, इस तरह का ये मिलेगा जब लॉक वगैरह ऑन करके अभी अंदर चलेंगे गाड़ी के अंदर। और भाई पीछे आते हैं तो भाई पीछे से गाड़ी बहुत ही बेहतरीन लग रही है, कहते हैं कि भाई उस तरह की लगती है भाई, उससे भी ज़्यादा बेटर लग रही है अगर बात करें तो। लाइट्स वगैरह थोड़ी सी ऑन करके ना इसकी मैं अपीयरेंस आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी बाहर की बात करें तो ये सारी जो है प्रोफाइल रहने वाली है। बूट स्पेस वगैरह की बात करें तो शायद इसमें 328 लीटर का जो है बूट स्पेस रहने वाला है, पहले की तरह सेम ही है बूट स्पेस इसमें बात करें तो भाई। तो और उसके अलावा आप देख सकते हो भाई कैमरा एक हमको यहाँ मिल रहा है, इसमें 360 कैमरा रहने वाला है। तो भाई सारा जो इस तरह का जो है हमारा बाहर का जो है प्रोफाइल रहने वाला है, हमको बलिनो में देखने को मिले था। तो भाई अच्छी बात है कंपनी इसमें अपग्रेड कर रही है। एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ,
कि भाई हम काफ़ी टाइम से जो है सुनने को आ रहा था भाई मारुति जो है एक तरह से लीडर है मैन्युफैक्चर गाड़ियों का, इतने टाइम से जो है मार्केट में है बट सनरूफ वाली गाड़ियां जो है नहीं दे रहा था, बट ये जो है अब भाई मारुति वाले भी जो है सनरूफ की फील ले सकते हैं, तो इस गाड़ी में बिल्कुल आपको जो है सनरूफ मिला है। भाई DRL की बात करें तो इस तरह के इसके कुछ DRL वगैरह जो है आपको अभी दिखने वाले हैं, बहुत ही प्यारे DRL लग रहे हैं। अच्छे आते तो भाई ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी खाली जो है मैंने इसकी जो DRL ऑन की है और पीछे लुक देख सकते हो कितनी प्यारी लुक आ रही है यार गाड़ी की। देखो ब्रेक में थोड़े जो है इस तरह का जो है इसका लुक आने वाला है, अभी बहुत ही प्यारा। अब भाई ये देख सकते हो इस तरह के जो इंडिकेटर वगैरह भाई इसमें रहने वाले हैं, बाकी लुक इस तरह की आ रही है गाड़ी में। ये भी ब्रेक छोड़ी हुई है, बाकी ब्रेक इसमें जलती थी और लाइट्स वगैरह ऑन करेंगे भाई। ये पूरी पीछे की प्रोफाइल देखो तो इस तरह की जो है गाड़ी रहने वाली है। ब्रेक में गाड़ी के अंदर आ गए तो भाई ये देख सकते हो की बिल्कुल पहले जैसी रहने वाली है, जैसे मारुति की पहले आती थी, कुछ इसमें अलग नहीं मिलने वाला। और गाड़ी के अंदर चलते हैं तो गाड़ी के अंदर भाई थोड़ा फील लेते हैं किस तरह का फील है। एक बार गाड़ी को करते हैं बंद, अंदर आ गए और ये हमको जो स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिलने वाला है। बाकी ये हमारी जो 9-inch स्क्रीन रहने वाली है, अभी इसको हम ऑन करेंगे और ये देखते भाई रोड ट्रिम्स जो इस टाइम काफ़ी थोड़ा सा मारुति और इसी तरह का जो है ब्राउन कलर का जो है ये किया गया और ये एक तरह से ग्रे कलर में ऐसे जो कह सकते हैं, ये आप देख सकते हो भाई इधर पूरा। ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अलग सी लग रही है, मतलब यहाँ से पूरा ऐसे करके ना इधर करके, और पुरानी ब्रीजा में इधर ही एंड्रॉयड था ना इसके अंदर ही, मतलब स्टीरियो वगैरह था। ये अलग से जो इन्होंने जो है लगा दिया है, अच्छा लग रहा है। हाँ, बड़ा कर दिया, हाँ, अलग से कर दिया, मतलब जैसे गाड़ियों में आजकल की गाड़ियों देखने को मिलते हैं ना, बलिनों में भी अब ऐसे ही देखने को मिला है हमको। और ये चीज जो थोड़ी सी अलग कर दी कि ये डिजाइन यहाँ से ऐसे करके शुरू हो रहा है ना, यहाँ आके देखो अब खत्म हो रहा है ना, नहीं तो नॉर्मली पहले वाली ब्रीजा में पूरा ऐसे जो है शेप बन रही थी। और भाई इस तरह के जो हमारे डोर ट्रिम्स वगैरह रहने वाले हैं, और भाई इसमें जो ना एम्बिएंट लाइट भी आपको देखने को मिलेगी। खैर तो भाई जो मैं आपको चीजें दिखा रहा था तो ये सारा गाड़ी अलाउ नहीं कर रहे स्टार्ट करना, तो इस वजह से मैं आपको सारा डिटेल में नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ इसमें जो है मिलता है। और साउंड वगैरह की बात करें भाई ये देखो ट्विटर्स वगैरह इसमें जो है, बट वो अभी सुन नहीं पाएंगे जैसे कि वो कह रहे हैं। और हाँ और भाई ये आर्मरेस्ट वगैरह दे रहे हैं इसमें इस तरह से, और यार सीट कवर नहीं दे रहे क्या टॉप वेरिएंट में भी? बाकी यहाँ पे ना एम्बिएंट लाइट वगैरह यहाँ पे मिलती है, लाइट की बात करें वो तो हम भी लगा लेंगे ना, क्या कहते हो भाई? वो तो हम लगा है ना, वो तो भाई ये ऊपर देखो सनरूफ इसमें जो है, मतलब चलो छोटे से सनरूफ से शुरुआत की है क्योंकि जैसे कि बड़ा वाला सनरूफ हमको क्रेटा वगैरह में देखने को मिला था, बट वो वाला तो नहीं है। चलो पर ये है, चलो कुछ तो शुरुआत की ना कंपनी ने। मॉडल के अंदर भी येलो बल्ब दिए हुए इसमें, ये भाई ये बंद हो गया ठीक है, ये तो खैर चेंज कर लेंगे ना। और ये सनग्लास होल्डर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये सारी जो है चीजें आपको मिलने वाली है। बाकी प्राइस रिलेटेड क्वेरीज की बात करें तो वो मैं डाल दूंगा डिटेल्स। नहीं अभी नहीं ऑन होगा, उसके लिए वो ऑन करना पड़ेगा इंजन वगैरह ना, इसलिए सनरूफ ऑन नहीं होगा। तो भाई इस तरह का सनरूफ वगैरह रहने वाला है और यहाँ से बंद हो जाता है, तो भाई ये छोटा सा वाला सनरूफ है, बड़ा वाला सनरूफ तो नहीं है। और यहाँ पे एक लाइट वगैरह भी इस तरह से जल जाती है, हाँ जल जाती है अभी, हाँ नहीं यहाँ पे नहीं होती। और यहाँ पे आपको भी मिल जाता है ये टिकट होल्डर मिल जाता है, ये आप देख सकते हो इधर। और भाई वहाँ पे जो है आपको यहाँ पे वो मिल शीशा वगैरह मिल जाता है मेकअप वेकअप करने के लिए ना, और यहाँ पे लाइट होती है कि भाई कोई दिक्कत ना हो मेकअप वेकअप करने में। चलो तो भाई इस तरह के रहने वाली हमारी ये वाली ब्रीजा, और बाकी एक बार लाइट का आपको दिखाते हैं कैसे लुक आ रही है। पीछे भी काफी अच्छा कंट्रोल दिया हुआ है, चलो पीछे चलते एक बार। वो हैंडल वगैरह आपको पता है तो खैर टॉप मॉडल में आते ही आते हैं, स्विफ्ट में भी और बाकी बलिनो वगैरह में हमको देखने को मिले, तो भाई ये सारी रहने वाली है। पीछे आपको लेके चलते हैं एक बार, पीछे आते हैं तो वही आपको एम्बिएंट लाइट वगैरह यहाँ पे मिलेगी। और उसके अलावा सीट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाएगा इस तरह से, ये देख सकते हो। और बाकी ये सारी जो है प्रोफाइल रहने वाली है ब्रीजा की, ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगा और शार्क एंटीना मिल जाएगा। तो भाई ये सारी जो है प्रोफाइल रहने वाली गाड़ी की, और एक बार बाहर से आपको दिखाते हैं भाई, तो इस तरह की जो है गाड़ी की लुक आ रही है, ये देख सकते हो भाई। जैसे कि मैं बात कर रहा था तो इसमें दोनों ऑन होते हैं, हाई बीम लो बीम में ना दोनों ऑन होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि भाई लो बीम में हम करते तो ये वाला ऑन होता था, हाई बीम में दोनों ऑन होते थे, बट इसमें जो है लो बीम में भी आपको जो दोनों ऑन मिलेंगे। तो भाई ये सारा रहने वाला है ZXI प्लस में,
और अब आपको बेस वेरिएंट के पास देख लो, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट आते हैं। तो ये हमारे मैनुअल वाला है ZXi प्लस एक्स शोरूम प्राइस, ZXi मैनुअल VXi, और भाई थोड़ा सा आपको आगे भी दिखाते हैं LXi, इधर चलते हैं। तो ये सारा रहने वाला है और ऑटोमेटिक में चलते हैं भाई। तो VXi से शुरुआत होती है, ये आप देख सकते हो भाई, ये सारे डेली के एक्स शोरूम प्राइस है। बाकी माइलेज वगैरह हर एक चीज़ जो है कंपनी क्लेम कर रही है। अब आपको लेके चलते हैं बेस वेरिएंट के पास। ये देख सकते हो, ये रहने वाला हमारा बेस वेरिएंट, ये भी डिलीवरी के लिए तैयार खड़ी। थोड़ी बहुत आपको ऐसे एक्सेसरीज लगी मिलेगी, बट क्या क्या चीज़ें कंपनी इसमें प्रोवाइड करा रही है पीछे से आ रही है। तो भाई इस तरह की जो लाइट रहने वाली, इसमें हमारा सिंगल प्रोजेक्टर रहने वाला है विद हेलोजन लैम्प। और फ्रंट ग्रिल की बात करें उस तरह की बिल्कुल सिंपल सी रहने वाली है। बाकी उसमें जो लाइट्स थोड़ी सी बड़ी है उसमें, क्योंकि हमारे DRL वगैरह डुअल प्रोजेक्टर आ रहे हैं। नीचे आते हैं तो भाई नीचे देख सकते हो आप, हमारा सिंपल सा ये रहने वाला है। उसमें हमको डुअल टोन देखने को मिला था जो हमारा ABS गार्ड आता है। और ये हमारे जो है इधर आप देख सकते हो, फॉगलेट वगैरह नहीं एब्सेंट है, बट हो जाएगी, लग जाएगी हमारे यहाँ से। और यहाँ पे आते भाई तो ये देख सकते हो व्हील आर्च जो है कंपनी दे रही इस बार ब्रीजा में भाई, काफ़ी यहाँ तक कवरेज है। ये भैया ने आफ्टर मार्केट लगवाया है, पर व्हील आर्च का जो है पूरा यहाँ तक आपको कवरेज मिलने वाला है। इधर आते हैं, इधर क्रोम जो है यहाँ के विंडो क्रोम या क्रोम गार्निश बोलते हैं, वो भी हो जाएगी। और इसके अलावा बात करते हैं साइड मिरर इंडिकेटर जो है बेस वेरिएंट में भी दे रही है कंपनी, ये चीज़ काफ़ी खास लगी मेरे को। बेस वेरिएंट में पहले ब्लैक देता था, अब टॉप का टॉप मॉडल के अंदर ब्लैक है, बाकी सब ने कलर कलर दिया हुआ। अच्छा, ब्लैक था। चलो भाई, भैया ने चीज़ नोटिस की होगी। बाकी ये वॉइजर वगैरह तो भैया ने लगवाए हैं क्योंकि गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है, कुछ एसेसरीज में लगी हैं। और इधर आते तो भाई रूफ रेल वगैरह भाई आप देख सकते हो एब्सेंट है, बट मिल जाएंगी। पीछे आते हैं तो भाई पीछे इसमें कैमरा वगैरह कुछ नहीं आता, ये गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी, इसलिए इसके अंदर आप देख पा रहे होगा कैमरा लगा हुआ है। बट इसमें यहाँ भी कैमरा नहीं होता, ये कंपनी ये लगाया आफ्टर मार्केट हम कह सकते हैं, यहाँ शोरूम से लगवाया एसेसरीज में है, बट इसमें जो आपको कुछ भी नहीं मिलता कैमरा वगैरह। और भाई बाहर की तो सारी यही प्रोफाइल रहने वाली है इस तरह की गाड़ी की, बस आपको जो है ये चीज़ जो है सभी वेरियंट में आ रही साइड मिरर इंडिकेटर, जो कि मेरे को अच्छा लगा देखने में। अब गाड़ी के थोड़ा सा आपको अंदर की साइड लेके चलते हैं, दिखाते हैं भाई इसमें क्या क्या एब्सेंट है, जो चीज़ें जो है टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है बट इसमें अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम बात करें तो काफ़ी प्राइस का डिफरेंस आ रहा है ना इसमें और टॉप मॉडल में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑटोमेटिक वाली 14 लाख की जो एक शोरूम पड़ रही है, और ये वाली जो है पड़ रही है 8 लाख की, 799 की है ना, तो मतलब वही 6 लाख का जो है डिफरेंस आ रहा है ना। बट हम बात करें तो भैया हमारे पास जो एक्सेसरी अवेलेबल है कितने की, मतलब हमारे पास टोटल होगी, चलिए वो हम पीयूष भैया से बात करेंगे। एक बार गाड़ी के अंदर आपको लेके चलते हैं भाई। यहाँ पे आते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल रहने वाले डोर ट्रिम, पावर विंडो जोर इसमें आपको देखने को मिलेगी चारों डोर में बेस वेरिएंट में, बट ये बिल्कुल सिंपल है, हार्ड टच रहने वाला है, उसमें सॉफ्ट टच था। ML लाइटिंग मिस है, ML लाइटिंग आपको उसमें देखने को मिली। HUD डिस्प्ले इसमें नहीं है, जो कि उसमें है बट इंजन नहीं उन्होंने ऑन करने दिया जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाया। और स्टेयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है। ये स्टेरियो भी इसमें नहीं आता, ये कंपनी से भैया ने यहाँ से लगवाया है, ये भी आप ये कंपनी से लगा हुआ है, बाकी स्टॉक में कुछ नहीं आता कंपनी से लगा, क्योंकि ये भी सिंपल रहता है। और मेरे को ऐसे देखना है सीट कवर वगैरह भी जो इसमें लगे। और ये इधर हम बात करते हैं ना तो ये डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, तो सारा जो इस तरह का जो है डल ब्लैक में, डल ब्लैक। तो भाई इस तरह के जो है सारी ये ब्रीजा रहने वाली है, ये हमारी जो है बेस वेरियंट रहने वाली है। इस तरह का जो है सारा इसमें आ रहा है भाई कंपनी से, ये देख सकते हो भाई। बाकी पावर विंडो जो इसमें जो है आपको चारों डोर में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रहने वाली हमारी ब्रीजा बेस वेरिएंट। बाकी एक चीज़ मेरे को बड़ी सही लगी, उसमें दिखाना भूल गया, ये पीछे का जो साइड है ना आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो एक तरह से विंडो दे दिया गया है। लास्ट टाइम बहुत छोटा था बट इस बारे में बड़ा कर दिया गया ये चीज़। तो भाई ये रहने वाली हमारी बेस वेरियंट ब्रीजा, जो कि हमने बात की इसमें क्या क्या नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं शॉप पे, दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। पूरा मैंने पीयूष भैया को हैंडल कर दिया क्योंकि ये आपको एक्सेसरीज दिखाने वाले हैं, आपने चीज़ें देख ली होगी जो जो चीज़ें हमको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं और LXi में। भैया इस बार LXi में अगर हम बात करें तो कंपनी ने सिर्फ जो साइड मिरर दे दिया और पावर विंडो दे दिया, बाकी जो दिए है ना सिर्फ एडजस्टिंग दी है, फोल्डिंग नहीं है, फोल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या हमारे पास आज क्या क्या सोल्यूशन रहने वाले, क्या क्या चीज़ें आपके पास है, जैसे आपने देखा टॉप वेरिएंट में क्या क्या है और बेस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ों की कमी है, काफ़ी कुछ जो है जो नहीं मिल रहा बेस वेरिएंट वालों को, तो हम क्या क्या चीज़ें उनको दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं VXi में पीछे हेडरेस्ट नहीं है जी, ये आप देख सकते हो VXi में है
और LXi में नहीं है, नहीं है बेस वेरिएंट में नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं उसके लिए लाया हूँ ये ओरिजिनल रहने वाले भैया, ओरिजिनल ठीक है भाई। उसकी दो गुल्ली भी आती है एडजस्टमेंट के लिए, ये एडजस्टमेंट के लिए ठीक है भैया। चलिए तो ये चीज तो एक भाई सुन, लीवर अंदर की ये मगर डोर में जो क्रोम वाला लीवर हमने देखा था टॉप मॉडल में, LXi में नहीं आते, BXi में आते हैं जी, और ZXi में भी आते हैं, आ रहा है ठीक है, ये हो गया ठीक है, लीवर चेंज हो जाएगा ठीक है भैया। तीसरा आइटम होंगे फॉक लाइट, ठीक है जी, जेन्युइन पार्ट, ये देख सकते हो भाई जेन्युइन मारुति सुजुकी लिखा हुआ है, ठीक है भाई। कोई गोल लगाते हैं कोई कुछ बोलते हैं लेकिन ये जेन्युइन है, जेन्युइन प्रॉपर फिटिंग में है, ठीक है। क्योंकि फॉग लाइट भी उसमें मिसिंग है, हमारी बेस वेरिएंट में फॉग लाइट भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते मिरर फोल्डिंग, ठीक है जी। इसमें जो हमारे पास टॉप वेरिएंट आ रहा है उसमें मिरर भी जैसे मैं देख रहा हूँ ब्लैक कलर का आ रहा है इस बार, पियानो ब्लैक आ रहा, पियानो ब्लैक कर दिया इन्होंने, तो ये भी पियानो ब्लैक ही मिलेंगे। अच्छा जी, ये देखो भाई बिल्कुल जेनुअन मारुति सुजुकी जेनुअन, देखो भैया आपके सामने बॉक्स से निकाला है, ये आप देख सकते हो बारकोड वगैरह सब कुछ ये कंपनी का ही रहने वाला है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारा मिरर एडजस्टमेंट ऑटो फोल्डिंग वगैरह सब कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक है जी। और क्या क्या चीजें रहने वाली भैया हमारे पास? इसके अलावा भैया एक चीज मैंने और देखी थी, हमारे पीछे वाली जो सीट है उसमें आर्मरेस्ट दे रही है, तो उसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास है ना, क्या कैसे कर सकते हो उसको आर्मरेस्ट? एक तो आप उसी सीट में आर्मरेस्ट लगवा सकते हैं, ठीक है जी, और BX वाले सीट चेंज कराना चाहते हैं वो भी चेंज हो जाएगी, सीट भी चेंज हो जाएगी, दोनों ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। और आगे जो एक आर्मरेस्ट आता है वो भी नहीं है बेस वेरिएंट में, वो भी अपने पास है, आ चुका है, ठीक है, तो वो भी दिखा देना। कई बंदे आते हैं कहते पैकिंग खुला हुआ है, लोकल माल है, ठीक है जी, लेकिन डब्बा ओरिजिनल लोकल माल कहाँ से आता है? हाँ, वो लोकल माल की वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकती जो कंपनी से, क्योंकि एक तरह से बन के ही आती है एडजस्टमेंट, उसकी लोकल की कैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। ये देख सकते हो मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरी आर्मरेस्ट इसका जो है, अच्छा बिल्कुल ये बंद है भाई, हार देता हूं ना, हार दो आप कोई बात नहीं भाई, देख लो आपके लिए मैं कोई काम, हम मार्केट में देख रहे हैं वीडियो में जो आर्मरेस्ट ओरिजिनल है न्यू ब्रेजा की। अच्छा ये तो ये छोटा सा लग रहा है भैया, हम जो देख के आए थे गाड़ी में वो तो बड़ा था, इससे अलग है ना, हाँ जी ये है बलिनो न्यू बलिनो। अच्छा अच्छा बलिनो का लगा दिया उसमें, लेकिन हम लोग लगेगा नहीं, लगाने से क्या मतलब, दिखाने से फिटिंग नहीं आ पाएगी, फिटिंग करके दिखाओ तब मैं मानूंगा जब फिटिंग प्रॉपर है। हाँ वो तो मैं खोल के दिखा रहा हूँ न्यू ब्रेजा के आर्मरेस्ट जो प्रॉपर आते हैं, ठीक है जी। जो भैया जाते हैं शोरूम में वो देख के आते हैं, हाँ जी BXi जी, तब तो LXi में लगवाएंगे ना, हाँ जी, तो मैं उसको दिखाता हूँ BXi में कौन सी आर्मरेस्ट लग के आते हैं, ठीक है भाई। ये देख सकते हो आप, ये भैया ने बिल्कुल जो है जेन्युइन आर्मरेस्ट निकाल दिया है, ये रहने वाले हमारा है ब्रीजा का, एक बार बलिनो का भी लगाना भैया अगल बगल में तो आपको अपरिया अंदाजा हो सकता है। ये देखो दोनों चीजें कैसी, ये देखो फिटिंग के साइज वगैरह का फर्क है इसमें ना, ये भी स्लाइडिंग होते हैं, हाँ ये भी स्लाइडिंग होते हैं, ठीक है, पर साइज का फर्क है इसमें दोनों, फर्क है हाँ जी, और प्लस ऊंचाई भी फर्क है, गाड़ी की साइज का ही फर्क है, तो आर्मरेस्ट का भी साइज का फर्क होगा ही होगा, ठीक है भाई। और साथ में एसी कंट्रोल आते हैं, ये देख लो भाई यहाँ एसी के बटन आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं चार्जर पॉइंट, ठीक है, चार्जर पॉइंट नहीं तो USB आप लगवा सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन आते हैं, ठीक है, वो वाला ऑप्शन आर्मरेस्ट हो गया, ठीक है जी, न्यू ब्रेजा, ठीक है, ये ब्रेजा, ये बलिनो का है, बलिनो बलिनो का है, और ये है ब्रेजा का, तो आपको डिफरेंस भी एक पता चल गया, देख लीजिए सामने का डिफरेंस है या नहीं है जी, बहुत डिफरेंस है भैया, बहुत ज्यादा, अगर अगल बगल में हो तो साफ साफ पता चल रहा है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है दोनों में, ठीक है जी। अच्छा चलो भैया, अब आर्मरेस्ट की भी आपने जो सोल्यूशन निकाल दिया, पीछे का हेडरेस्ट हो गया उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया, डोर के हैंडल का भी सोल्यूशन निकाल दिया, हैंडल क्रोम तो कंपनी से लीजिए बाहर लीजिए सेम है, ठीक है जी, प्राइस की फर्क है जी, ठीक है, ये इनर हैंडल है जो अंदर का आता है, क्योंकि LXi में आते हैं ब्लैक कलर, BXi आते हैं क्रोम वाले, ठीक है जी, ये सोल्यूशन आ गया। अच्छा हाँ ये हो गया। अच्छा आप जैसे हैंडल की बात कर रहे थे भैया,
डोर में भी एक आपने देखी कमी, जैसे डोर हमारा एलेक्सा का पूरा प्योर ब्लैक है, वो वाला हम डोर में जाते हैं तो उसमें डोर ट्रिम्स दिए हुए हैं ग्रे कलर के और अंदर एक तरह से कह सकते डोर रैप। बेस मॉडल में है ब्लैक कलर, हाँ जी, BXI में है सिल्वर कलर जी, उसके अंदर लगा एम्बियन लाइट। अच्छा ठीक है, वो भी पार्ट अपने पास अवेलेबल है। अच्छा वो एम्बियन लाइट भी आ जाएगी अपने पास है, क्योंकि जो सिल्वर पार्ट के साथ ना एम्बियन लाइट भी साथ में आएंगे। अच्छा अच्छा, सिल्वर भी आपके पास अवेलेबल है? अवेलेबल है, चलो जी वो भी अवेलेबल है भैया के पास। चलो अब गाड़ी का ये वाला भी हेडलाइट चाहिए वो भी मिल जाएगा, हेडलाइट भी है वो, लेकिन महंगी है, 46,000 रुपए के हेडलाइट है। अच्छा जी ठीक है ठीक है। LXI के 14,200 की है, BXI के 46,000 की हेडलाइट है। ठीक है जी, अगर किसी भाइयों को चाहिए वो भी मिल जाएगी। चलो भाई, क्योंकि हेडलाइट भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि आगे की हेडलाइट में इस बार बहुत बड़ा उन्होंने डिफरेंस डाल दिया है, काफी चेंज कर दिया उसकी बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट की हेडलाइट, तो वो चीज भी जैसे भैया ने बता दिया। फॉगलाइट की बात करें, फॉगलाइट भी जैसे आपने बता दिया था कि फॉगलाइट का भी अवेलेबल है आपके पास। उसके अलावा भैया बात करते हैं आर्मरेस्ट का भी आपने कर दिया, और उसमें स्टीरियो वगैरह भी नहीं दे रहे कंपनी वाले? उसमें स्टीरियो बेस मॉडल में नहीं दे रहे हैं, हाँ जी, उसमें लगाते सोनी 1500 नंबर जी। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास उसके पास फ्रेम है नहीं, हाँ जी, उसका एंड्रॉयड है नहीं जी जी, और जिनके पास 45,000 रुपए होंगे वो एंड्रॉयड लगवाएंगे। कंपनी के 45,000 के एंड्रॉयड सिस्टम है टॉप मॉडल का। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है उसके भैया? 45,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन बतेरे हैं, जैसे हम बात करें आप कह रहे हो आपके पास तो काफी सारी रेंज है, एक तो ये होगी, उसके अलावा भी और काफी वैरायटी है एंड्रॉयड। मेगासोनिक है जी, ये 4500 से स्टार्टिंग है। ठीक है, कंपनी दे रही है 45,000 का, कंपनी दे रही है 45,000 का, इसमें कंपनी अदरवाइज चेंज करते हैं, उसकी जैसे जैसे कंपनी चेंज की वैसे वैसे रेंज बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारी वैरायटी और मिल जाएगी, अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी जो है जैसे अपना मेगासोनिक हो गया, हाइपर सोनी हो गया, T7 हो गया, ठीक है जी, सोनी हो गया, ठीक है जी, पंग हो गया जी, पोन हो गया जी जी, सारे वैरायटी मिल जाएंगे। ठीक है जी, वैरायटी अब जो मांगे वो पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, भैया ने एक डेमो के लिए आपको दिखा दिया था, बाकी ये है कि इसमें तो बहुत सारी वैरायटी जो है मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा भैया बात करते हैं, एक हमारे ऊपर लाइट आती है सनग्लास होल्डर वाली, वो भी वो नहीं है बेस वेरिएंट में? वो नहीं है, वो भी लग जाएंगे। वो भी है आपके पास? ठीक है जी, तो भैया और क्या क्या रहेगा और कि और किस तरह से बना सकते हैं इसको? अब अपना मिरर फोल्डिंग पे आ गए, हाँ जी, मिरर फोल्डिंग में जो एडजस्टिंग होता है सिर्फ ये होते हैं, हाँ यही दे रही है। ठीक है ठीक है, बटन नहीं आ रहा उसमें, बटन नहीं आ रहा, ये एडजस्टिंग लगाएंगे तो एडजस्टिंग के सेट होंगे। जैसे मेरा फोल्डिंग ये दिखा, ये भी मारुति का जेनुइन है, ये आप देख सकते हो मारुति सुजुकी जेनुइन पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है भैया ने अब ये भी दिखा दिया, चलो ये भी सॉल्यूशन निकला है, फॉग लाइट कवर, ये भी मारुति का है भैया आप देख सकते हो, ये भी जेनुइन है। ठीक है जी, ये भी है जी, फॉग लाइट दिखा दिया जी, ओके हो गए। हाँ अब हम चलते हैं क्लाइडिंग के ऊपर। ठीक है जी, अच्छा क्लाइडिंग भी आ गया आपके पास? क्लाइडिंग जो चारों टायरों के ऊपर लगती है। ठीक है जी, ये देखो इसको अनबॉक्स कर दूं, ये भी जेनुइन है आप देख सकते हो, अनबॉक्स करूं या पैकिंग लाने दूं? चलो रहने दो भैया, पैकिंग रहने दो, क्योंकि आप पता है क्या, आप हमारे पास जो जो पार्ट है उनके क्या क्या आते हैं एक बार देख लीजिए बता दीजिए। ये देख लो भाई सारे इधर पार्ट के डिस्क्रिप्शन, व्हील आर्च फ्रंट, व्हील आर्च, व्हील आर्च रियर पार्ट, अच्छा ये सारे इसमें कंटेंट्स हैं, ये सारी जो है इसमें पैक होंगे। ठीक है, ये मारुति सुजुकी जेनुइन है देख सकते हो, बिल्कुल डब्बा पैक है। ठीक है भैया, एक पार्ट हो गया आगे का फ्रंट बम्पर का। अच्छा ठीक है, ये भाई ये देख सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, ये वो जो सिल्वर कलर का होता है क्या उस पे? सिल्वर कलर में जो आते हैं लॉक टू लॉक। अच्छा अच्छा अच्छा, बेस वेरिएंट में नहीं है ये, आपको ये दिखा एक बार निकाल के दिखाना भैया थोड़ा सा। हाँ ये टॉप में आता है। ठीक है, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है उसमें तो सिंपल सा ब्लैक सा ही लो था, सिंपल ब्लैक था, तो ये इसमें लग जाएगा। ठीक है, और ये पूरी अच्छा क्लिप वगैरह ये देख सकते हो, प्लस टेपिंग भी, टेपिंग भी है भाई, ये देख सकते हो, ये भी जेनुइन ही है, ये आप देख सकते हो भैया ने मारुति सुजुकी के उससे निकाला है, ये देख लो भाई मारुति सुजुकी जेनुइन एक्सेसरीज। ठीक है, पार्ट बड़ा है, छोटा पार्ट है पतली सी पार्ट जी, लेकिन बड़ा पार्ट है घुमाइए इसलिए डब्बा बड़ा है इसका जी। ठीक है जी, बाकी यही है, काफी सारी जैसे भैया ने चीजें दिखाई हैं जो कि टॉप वेरिएंट बनाते हैं, डिफरेंस भी मैंने आपको दिखा दिया, ये सारे डब्बे आप देख रहे हो ये सारी मारुति उरुति के, ये देखो मारुति सुजुकी जेनुइन, यहाँ से लेके नीचे तक जो है इतना कुछ
भैया डब्बे मत खोलो आप, क्योंकि काफी सारा आपको सामान जैसे खोलना पड़ेगा, देखो संभालना भी कितना मुश्किल है भैया, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो कुछ चीजें आपके पास खुली पड़ी है थोड़ा सा वो दिखा दो ऑडियंस के साथ, जो मैं शेयर कर सकूं। बाकी 100 में से कितना परसेंट सामान हमारे पास आ चुका है बरीजा को टॉप मॉडल बनाने के लिए? 99% आ चुका है, मतलब एक आध कोई चीज रह गई हो, अदरवाइज सब कुछ आ चुका है। हेडलाइट बहुत बड़ी चीज है, वो आप कह रहे हो वो भी अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो। अलॉय व्हील चाहिए 45,900 रुपए का अलॉय व्हील है, टॉप मॉडल का अलॉय व्हील भी है। जिस भैया को चाहिए जी 2 घंटे पहले कॉल करें, अलॉय व्हील आपके सामने मिल जाएंगे। चलिए ठीक है भाई, और क्या चाहिए आपको? तो भाई सारा जो है आप देख सकते हो भाई, सारा सामान आप ये देख सकते हो। ये हो गए ग्रिल क्रो। अच्छा ठीक है, लिखा हुआ सर मारुति सुजुकी ग्रिल क्रोम। ये देख लो भाई, ये अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं जूम करके, ये फ्रंट ग्रिल क्रोम, ठीक है गार्निश क्रोम। ये एक तरह से विंडो क्रोम होगा ना हमारा जो। अगर भैया जो भाइयों को स्टीयरिंग कंट्रोल, हाँ जी, VXI वाली जी चैनमन लगानी है जी, वो मिल जाएंगे 7,900 का। ठीक है, पूरा हॉप के साथ जेनवन मारुति का, जेनवन मारुति के स्टीयरिंग पूरी आएगी। नहीं ठीक है जी, वैसे स्टीयरिंग कंट्रोल जो आते हैं ऑफ द मार्केट। अच्छा अच्छा, पूरी स्टीयरिंग चेंज करके दोगे? स्टीयरिंग चेंज कर दूंगा। ठीक है जी, वैसे आप लेते हैं तो 3500 में आपका स्टीयरिंग कंट्रोल लग जाएंगे, वो जो रिमोट लगता है वो वाला। तो मतलब दोनों ऑप्शन है, वो वाला दोनों ऑप्शन। ठीक है जी, ये आ गए ऊपर दिखाएंगे। ये देखो जेनवन मारुति का, ये ठीक है। अच्छा ये विंडो क्रोम हमारा, विंडो क्रोम। और ये वाला कौन सा क्रोम था भैया? ये फ्रेम ग्रिल क्रोम। अच्छा आगे के ग्रिल जो थे VX साइज में उस दिन देखे थे। हाँ हाँ, जो क्रोम नीचे दो पट्टी लगा था। ठीक है ठीक है, दो तो ऊपर लगा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, दो नीचे लगा था। नीचे वाले, ठीक है जी। ऊपर वाले तो LXI में लग के आते हैं। हाँ हाँ, नीचे वाले लग के आते, नीचे वाले वो मिसिंग होते हैं, जो ऐसे करके होते हैं यू शेप में जो आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, एक खोल के दिखाता हूँ। ठीक है भाई, एक बार दिखाते हैं। ये तो भैया बड़ा छोटा सा लग रहा है, रियर स्पॉइलर तो वो तो स्पॉइलर तो लग के आते हैं। हाँ जी हाँ जी, इसके नीचे जो पार्ट आता है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा ये भी जेन्युइन है भाई, ये देख सकते हो भैया, डब्बा खोल रहे हैं आपके सामने। अच्छा ये तो भैया ऐसे छोटे छोटे पीसेस होंगे ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे लगेंगे, दो पीस। हाँ दो पीस होते हैं, क्योंकि बीच में आ गया। ये हमारा इस साइड का हो गया और एक उस साइड का होगा। ठीक है जी, ये देख सकते हो, ये आ गया रियर स्पाइलर। ये ऐसे करके ऐसे आएंगे ना सर, क्योंकि बीच में लाइट है ना। अच्छा हाँ, ये लाइट है, बीच में लाइट है, ब्रेक लाइट दे रखे हैं। हाँ डेढ़ गैप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइट आ जाएगी। ये आएंगे ऐसे लगेंगे। हाँ इस तरह से लगेंगे, जो हम ऐसे दिखा रहे हैं। हाँ ऐसे लगेंगे, ऐसे ऐसे उसके नीचे लगेंगे ना, ऐसे करके स्पाइलर आ जाएगा। हाँ इस टाइप से लगेगा भाई, ये देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं, ऐसे लगेंगे। ठीक है भाई, तो भाई ये चीज भी हो गई हमारी। इसमें पियानो ब्लैक सिल्वर, इसमें एक दो कलर ऑप्शन और आते हैं ना ऐसे, हमने यही आते हैं। अच्छा यही कलर ऑप्शन आता है, ठीक है। पियानो ब्लैक और सिल्वर का भी कलर हो, पियानो ब्लैक प्लस सिल्वर ही आएंगे। ठीक है जी, या व्हाइट गाड़ी हो, सिल्वर गाड़ी हो, रेड गाड़ी हो, ठीक है सारे मिल जाते हैं। अच्छा यही कलर ऑप्शन है, ठीक है जी। ये क्या भैया, अब इसमें क्या दबा रखा है? इसमें दबा रखा हूँ रियर यूनिवर्सल स्पाइलर। अच्छा भाई ये देख सकते हो, ऑन बॉक्स टू करूँगा, थोड़ा ऑन बॉक्स कर देता हूँ, उसमें थोड़ा माल अच्छा दिखेगा। चलो आप दिखा दो एक बार, थोड़ा थोड़ा सा खोल लेते हैं बाकी, क्योंकि पूरी ये काफी सारा, ये देख सकते हो यहाँ से लेके, जैसे मैंने पहले दिखाया था पूरी, ये सारी ब्रीजा का ही सामान है, पूरा भर दिया यहाँ से लेके ऊपर लेके। ये भाई देखो, ये देखो पूरा ही ब्रीजा का भर दिया भैया ने, स्टॉक पूरा आ रखा है सारा ही, मतलब ये सारा ही जेनुइन है ना, जहाँ जहाँ मेरी नजर पड़ रही है मारुति सुजुकी लिखा हुआ जेनुइन ही होंगे, सब तो ब्रांडी है भाई। ये देख सकते हो मारुति सुजुकी जेनुइन, साइड का। अच्छा जी ठीक है, दिखाना भैया ये भी। ये लेफ्ट राइट का जो हम दरवाजा खोलते हैं चारों गेट, क्लैडिंग कहते हैं इसको जी। ठीक है, साइड फुटेज जर्मन चाहिए वो भी मिल जाएंगे, फुटर्स भी आ गया 14,000 रुपए का जर्मन फुटर। ठीक है, जो भी आपके पक्के खुल के फिर वो फिट हो, ठीक है प्रॉपर। ठीक है भैया, उसमें तो होता है ना, या क्लैडिंग लगवा लो या वो लगा लो फुटरेस, क्योंकि दो लगवा लीजिएगा, क्लैडिंग को जरूरत नहीं है। हाँ अगर फुटरेस नहीं लगवाना तो क्लैडिंग लगवा लो,
दोनों ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो ये एक लेफ्ट का हो गया। हाँ जी, ये राइट का हो गया। एक राइट का हो गया, ये देख सकते हो आप। ठीक है जी, ये अपना हो गया साइड बिडिंग। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारी साइड बिडिंग होगी जो डोर्स पे नीचे लगती है, जो चारों गेटों पे। हाँ ठीक है जी, ये अब क्या आइटम है भैया? इतनी सारी एसेसरी आ चुकी कि भैया खुद भी भूल जाते हैं, पढ़ना पड़ रहा है बार बार। ये अपना है जो रियर बैक, जो हम डिक्की खोलते हैं। अच्छा, जो टेल लाइट लगा हुआ है, ठीक है, डिक्की के अंदर। उसके नीचे के क्रोम है, क्रोम भी नहीं है, पियानो ब्लैक है। ठीक है, वो भी मैं खोल के आपको चेक। ठीक है, ये हमारा एक तरह से टेल लाइट क्रोम है, ब्लैक वाला जो क्रोम आता है उस तरह से है। ये देखो भैया, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। लो जी, मतलब ब्रीजा की तो पूरी तैयारी है, मतलब जैसे भैया कह रहे थे 99% सामान जो है आ चुका है, जो कि टॉप मॉडल बनाते हैं। जो है, हाँ, आप आइए, मुझे बोलिए आइटम चाहिए, आपको 2 से 2.5 घंटे में आइटम। अच्छा, वो भी अरेंज करा दोगे? चलिए ठीक है, ये हमारा आ गया। एक बार दिखाना भैया थोड़ा सा। अच्छा, ये हमारी डिक्की जहाँ पे खुलती है वहाँ पे लगता है ये स्पॉयलर, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। जैसे बलिनो में ऊपर स्पॉयलर आता है, इस पे नीचे आता है, तो वो हो गया ब्लैक कलर का स्पॉयलर। बलिनो में हमको सिल्वर मिला था देखने को, इस पे ब्लैक वाला रहने वाला है। ठीक है जी, ब्लैक साइड में जो देखे थे नीचे का पार्ट, हाँ, सिल्वर जी, ये वाली पार्ट है भैया। ठीक है भाई, ठीक है, ये नीचे का पार्ट हो गया और ऊपर वाला आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह से हमारा ऐसे पूरा फ्रेम बन जाएगा, ओ शेप का, तो वो पूरा ये भी हो जाएगा हमारे पास। टायरो क्लैरिंग मिल गए, हाँ जी, साइड के मिल गए जी, बैक रियर मिल गए, ठीक है, आगे पीछे के हो गए, लोअर गार्निश हो गए, ठीक है, फॉग लाइट दिखाई दिए हैं जी जी, ठीक है, वो भी जेन्युइन वाली फॉग लाइट। हाँ, वो डब्बा मैंने नहीं किए हैं जी, क्योंकि मार्केट में बंदे बोलते हैं ए वाला लगेगा ना, वो वाला नहीं लगेगा, इसलिए अनबॉक्सिंग मैंने किया हूँ। ठीक है, और जिसको देखने आओ सीधा गाड़ी लेके, वो मतलब चुपचाप लगवाओ और चुपचाप अपने घर जाओ, आपके सामने भैया अनबॉक्स करेंगे। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ सरप्राइज रहना चाहिए। अच्छा भैया, एक चीज और हमको देखने को मिली थी, जो हमने टॉप वेरिएंट देखा था उसमें रूफ रेल था। रूफ रेल था, हाँ, तो रूफ रेल भी है क्या? जाएंगे वो भी। अच्छा जी, 14,000 का रूफ रेल है। 14,000 की रूफ रेल है, वो भी है। ठीक है भाई, तो अब मेरे हिसाब से तो कोई रह नहीं गया ऐसा कुछ चीज जो हो उसमें और हमारे पास अवेलेबल ना हो। उसमें लगभग लगते हैं, हाँ जी, एक कप प्लेट लगते हैं जी जी, ठीक है, और आ गए, हाँ, डोर वाइजर लगते हैं। हाँ, डोर वाइजर तो मिल जाएंगे आपके पास, मिल जाएंगे, तो डोर वाइजर हर जगह मिल जाएंगे। हाँ, वो तो एक बेसिक चीज है, क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी हर जगह नहीं मिलता। हाँ, वो फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस चीज को। बाकी आप देख सकते हो भैया कितनी सारी जो है ये जेन्युइन पूरी रेंज आई हुई है आपको, जो जो सारी सारी जो है आइटम दिखा दी है। बाकी जो चीजें रह गई हो नंबर दे दिया मैंने स्क्रीन पे, आप जो है पीयूष भैया से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, स्क्रीन पे भी नंबर दे दूंगा, सीधा कॉल करके पूछ सकते हो। कोई अगर रह गई हो चीज या हम दिखाना भूल गए हो, तो है कि नहीं है, जैसे भैया ने बोल दिया कि 99% तो अवेलेबल। अच्छा, रखा हुआ, मैंने खोला नहीं हूँ। अच्छा, ये रे, ये पीछे दबा हुआ लाया हूँ। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है मारुति सुजुकी का, आप देख सकते हो भाई। ठीक है भाई, तो मतलब लगभग सब कुछ ही है, लगभग लगभग क्या हर एक चीज 99% तो है ही है। कुछ रह जाए तो सीधा आप फोन करके पूछ सकते हो आपसे, वो भी आप जैसे बोलो 2-2.5 घंटे में अरेंज करा दोगे। चलो ठीक है। अच्छा भैया, अब एक बात करते हैं, शॉप की टाइमिंग क्या है, कोई आना चाहे कितने बजे आ सकता है आपके पास? सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक। 8 बजे तक, ठीक है, क्योंकि 8 बजे आइएगा तो 2-2.5 घंटे काम में लगेंगे। 10:30 बन जाएंगे जी जी, क्योंकि 10 बजे आई कोई काम होगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, फायदा नहीं फिर कोई, कोई नहीं। आओ तो टाइम लेके आओ, या तो कॉल करके आए तो ज्यादा बेटर है, हाँ ना, कॉल करके आए। अच्छा भैया, एक चीज और बताना, मंडे जैसे करोल बाग मार्केट ऑफ रहती है, तो आप ओपन रहती है आपकी शॉप या छुट्टी रहती है मंडे को? आपकी रिक्वायरमेंट होगी जो भैया मुझे आज ही काम कराने हैं, हाँ जी, तो आपके लिए खोल सकते हैं। अच्छा, वैसे छुट्टी रहती है, कॉल करके अगर बुक करा लोगे तो फिर मंडे ओपन रहेगी शॉप। ठीक है जी, तो आप भी आ सकते हो, भैया ने टाइम वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया है। भैया ब्रीजा के बारे में अगर सोच रहे हो, नई गाड़ी है, आपको भी होता है कि पार्ट्स कहाँ मिले ना मिले, तो भाई सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आपको एक एक चीज़ दिखा दी जेन्युइन, ये देखो भैया हमारे पैकिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ जेन्युइन है, डब्बा डुब्बा आपके सामने चीज़ें खोली है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जैसे भैया बता रहे हो रहती है दिखाने वाली, जैसे एम्बियंट लाइट हो गए, हाँ जी, टॉप मॉडल वाली, हाँ जी, उसके बाद हो गया अपना कहते हैं अलॉय व्हील है, हाँ,
जी स्टीयरिंग आप बता रहे थे, स्टीयरिंग है आपके पास कंट्रोल है जी। स्टीयरिंग कंट्रोल एक तो आते हैं जो ऊपर से बटन लग जाते हैं जी जी, एक आते हैं पूरे स्टीयरिंग स्टीयरिंग चेंज कर देंगे। ठीक है जी, स्टीयरिंग चेंज करने में आपको फायदा है जी जी, बाई चांस कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी चीज में। ठीक है जी, अगर वही स्टीयरिंग को लगवाते हैं उसमें बाई चांस क्या छह महीने साल में कोई दिक्कत आती है जी जी, तो उसके लिए आप परेशान हो गए जी जी जी। जर्मन एसी लगाओ तो जर्मन सीधा मारुति जो हमारे से ठीक करा ओके करो जी जी। ठीक है जी, तो भाई बाकी भैया कोई भी डाउट हो आप भैया से कांटेक्ट कर लेना, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया, सीधा यहाँ पे आओ भैया, व्हाट्सएप पे भी है ना भैया आपका ये नंबर, व्हाट्सएप पे भी आप जैसे लोकेशन वगैरह लेनी है तो लेके आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो, गाड़ी का जो है काम करा सकते हो निश्चिंत होकर। ठीक है भैया, ओके भैया।